हेलो गाइस वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इंडियन आर्मी में जो हवलदार एजुकेशन साइंस की भर्ती होती है उसके रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है उसके रिटर्न एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं क्या पासिंग मार्क्स आपको चाहिए इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इन सब की जानकारी मिल सके और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की तो इसके जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पेपर आपके कंडक्ट किए जाते हैं पेपर वन होता है जनरल नॉलेज और इंग्लिश का और पेपर टू होता है मैथ्स फिज़िक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का जो पेपर वन होगा वो होगा टोटल पचास क्वेश्चन का जिसमें हर एक क्वेश्चन होगा आपका एक नंबर का यानी कि टोटल पेपर वन जो होगा वो होगा पचास नंबर का पेपर टू की बात करें तो इसमें भी पचास क्वेश्चन होंगे जो होंगे पचास नंबर के अब बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए पेपर वन और पेपर टू में तो पेपर वन में भी आपके पचास में से मिनिमम ट्वेंटी मार्क्स तो होने ही चाहिए और पेपर टू में भी आपके पचास में से ट्वेंटी मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं जो कि आने ही चाहिए तो हर एक पेपर में आपके पचास में से बीस बीस मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी होने चाहिए तभी आपको जो आगे कट ऑफ बनती है उसके लिए कंसिडर किया जाता है तो कट ऑफ में आने से पहले आपको हर एक पेपर की जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे होते हैं उनमें क्लियर होना पड़ता है तो इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो रहेंगे आपके पेपर वन में भी पचास में से बीस नंबर और पेपर टू में भी पचास में से बीस नंबर जिसमें आपको सेपरेटली हर एक पेपर की क्लियर करनी पड़ेगी ये था इसका एग्जामिनेशन पैटर्न अब बात करते हैं इस रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस क्या रहता है कौन कौन से टॉपिक्स आपसे जो हैं इस पेपर में पूछे जाते हैं बात करें जीके की तो जीके में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री कल्चर जोग्राफी के जो कि होगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में और नेबरिंग कंट्री के साथ जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे इसके अलावा एब्रीविएशन के जिसमें फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे अवार्ड्स और प्राइजेस किस फील्ड में किसको दिया गया है वो क्वेश्चन होंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे भारत का संविधान उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है सी कौन है प्रेजेंटली कौन जो है उसमें अभी जो सी है या जैसे कि डब्ल्यू की बात होगी तो उसका चेयरमैन कौन है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे जाएंगे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे उन बुक्स के ऑथर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो इंडिया में करंटली इवेंट्स हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पे कोई इवेंट चल रहा है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश की तो इंग्लिश में पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंसन पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके आएँगे आर्टिकल नाउन एंड प्रोनाउंस एब्जेक्टिव होंगे प्रपोजिशन कंजंक्शन मॉडल्स वर्ब्स के क्वेश्चन होंगे टेंसेस पूछे जाएंगे इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस होंगी सेंटेंस स्ट्रक्चर करना होगा ईडियम्स और फ्रेजिज पूछे जाएंगे सिननिम और एंटोनिम होंगे और होगा वन वर्ड सब्सट्यूशन तो ये हो गया इंग्लिश के जो टॉपिक्स जिसमें से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा एल्जबरा से मैट्रिस एंड डिटामिनस एनालिटिकल ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स नंबर सिस्टम फंडामेंटल अर्थेमेटिकल ऑपरेशन मैंशन एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वैक्टर अल्जब्रा बनोमियल थ्योरम थ्री डी ज्योमेट्री सीक्वेंस एंड सीरीज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर मास वेट वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर बैरोमीटर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स एंड मोमेंटम पैरलोग्राम ऑफ फोर्सेज स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ग्रेविटेशन एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी हीट एंड इट्स इफेक्ट्स साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज टाइप एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ओह्स लॉ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड हीटिंग नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में आएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस elements mixtures and compounds symbols formulae and simple chemical equations law of chemical combination properties of air and water preparation and properties of hydrogen oxygen nitrogen and carbon dioxide oxidation and reduction acids bases and salts carbon and its forms natural and artificial fertilizers elementary ideas about the structure of atom अटोमिक इक्विवेलेंट एंड मोलिकुलर वेट्स एंड वैलेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में पूछे जाएंगे बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस स्टडी ऑफ वर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी फूड एंड हेल्थ नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट वेस्टफुल फूड प्रैक्टिस फूड इल्ड इसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ साइकल्स ऑफ मटीरियल्स इकोलॉजिकल बैलेंस लिविंग रिसोर्स हैबिटेट एंड ऑर्गेनिजम्स एंड अडाप्टेसन लास्ट बात करेंगे कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट डिवाइसिस आउटपुट डिवाइस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस क्या है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एम एस वर्ड एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेल तो ये रहेगा कंप्यूटर का सिलेबस आज आज की इस वीडियो में आई होप आपको सारी जानकारी मिल चुकी है अगर कभी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस तरह के आगे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में